उसे अपने खोने के बारे में फिक्रमंद बनाएं। 5 इंतहाई ताकतवर तरीके। अगर आप एक रिश्ते में एहसास पैदा करना चाहती हैं और चाहती हैं कि वो आपको कदर की निगाह से देखे और आपकी अहमियत को तस्लीम करे, तो ज़रूरी है कि उसमें अपने खोने का डर पैदा करे। जब आप बेहिस बन जाएंगी तो वो आपकी कमी महसूस करेगा। उसे दिखाएं कि उसका रवैया आपके दूर होने की वजह बन सकता है। अगर उसे आपके खोने का डर नहीं है, परवाह नहीं है, तो ऐसे शख्स से मोहब्बत करने का कोई जवाब नहीं बनता। लिहाजा कुछ ऐसे तरीके हैं जिन्हें अगर इस्तेमाल में लाया जाए तो वो आपको कदर की निगाह से देखेगा, आपकी तारीफ करेगा। अगर आपने उसके लिए कुछ किया होगा तो वो आपको कभी नहीं भूलेगा और यही आपका प्यार उसे वापस खींच लाएगा। तो यहाँ 5 तरीके हैं। ये तरीके तब इस्तेमाल करें जब वो आपको नज़रअंदाज करें। इन तरीकों के इस्तेमाल से उसमें आपके खोने का डर पैदा होगा और वो आपकी फिक्र करने लगेगा। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते ही आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहला तरीका, अदम तहफ़ के दायरे से बाहर निकलें। जब आप देखें कि वो आपको कदर की निगाह से देख रहा है, इसके बावजूद वो आपकी तारीफ़ नहीं करता, तो इन हालात में दिल दुखना या गुस्सा आना फितरी है। अब आप फिक्रमंद हैं कि शायद वो बदल जाए या खिसक जाए, क्योंकि आपका परेशान रहना उसे खिसकाने के लिए काफ़ी है। इससे उसे पता चलेगा कि आप बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद और हसास हैं। ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि आप अदम तहफ़ का शिकार हैं। अब अदम तहफ़ से बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि अपने आप से वादा करें कि गुस्सा नहीं करेंगी और नॉर्मल रहेंगी। जब वो देखेगा कि आप उसके जाने से परेशान नहीं हैं, तो वो 2-4 हफ्तों के बाद खुद पलट कर आएगा। दूसरा तरीका, लातालुक रवैया अपनाएं। अगर वो आप पर तवज्जो नहीं देता तो ऐसा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक गेम चेंजर जादू की छड़ी की तरह काम करता है। बेहिसी तब पैदा होती है जब कोई हम में दिलचस्पी ना ले। बेहिसी का मतलब आप ना उसे पसंद करते हैं और ना ही नापसंद करते हैं। दूसरा मतलब कि आपको भी अब उसकी परवाह नहीं है, जो होना है हो जाए। याद रहे, ऐसा करने से मर्द डर जाते हैं, क्योंकि बेहिसी मोहब्बत के बरअक्स है। क्योंकि मर्द इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते कि आप उससे दूर जा रहे हैं। लातालुकी के बाद पीछे मुड़कर ना देखें। आपकी ये तब्दीली आपका ताकतवर एजेंट है। ऐसा तब करना चाहिए जब वो आपकी फिक्र आपकी परवाह ना करे। मिसाल के तौर पर आप टेक्स्टिंग नहीं करेंगी, इससे ये नहीं पूछेंगी कि आपका क्या हाल है। बातचीत की इब्तिदा नहीं करेंगी, मतलब जब जवाब देना हो तो मुख्तसर जवाब देंगी। आप उसे नज़रअंदाज नहीं करेंगी, बल्कि आपका रवैया मायूसाना होगा, किसी काम में आगे नहीं बढ़ेंगी। जब आप ऐसा करेंगी तो वो पूछेगा कि क्या हुआ, इससे उसे घबराहट होना शुरू हो जाएगी। उसे फिक्र होने लगेगी और वो एहतजाज पर उतर आएगा, कोशिश करेगा कि आप वापस लौट आएं। ऐसा ना करें, इसके लिए वो आप पर इल्ज़ाम भी लगा सकता है। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बस लातालुक रहें। इससे ये होगा कि उसे ये समझ आएगी कि आप बदल गई हैं और अब आपको उसकी पहले की तरह परवाह नहीं है। आप देखेंगी कि वो आपकी बार बहुत अच्छा हो जाएगा। तीसरा तरीका, अपने फिटनेस पर तवज्जो दें, पहले से बेहतर हो जाएं। जोरों के लिए ये कोई गैरमामूली बात नहीं है। अपने फिटनेस पर तवज्जो दें, आपकी खूबसूरती में इजाफा उसे आपके और करीब ले आएगा। जब वो देखेगा कि आपके बाल खूबसूरत हो रहे हैं, जिल्द चमक रही है, लिबास का अंदाज बदल रहा है, मेकअप ज़्यादा पुरकशिश हो रहा है और आप पहले से बेहतरीन होती जा रही हैं। जब वो देखेगा तो वो थोड़ा गुस्से में भी आएगा कि आपको अचानक क्या हो गया। इस गुस्से में हसद होगा जो उसे आपके जहाँ करीब ले आएगा, वहाँ उसे एहसास दिलाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आप बेहतरीन हैं।
चौथा तरीका, अपनी समाजी ज़िंदगी को ज़िंदा करें, उससे दूर रहें और कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। आपकी मसरूफियात उसे परेशान करेंगी। याद रखें, फ़ोन के पास बैठकर उसका इंतज़ार नहीं करना। मर्दों को वो लड़कियाँ ज़्यादा पुरकशिश लगती हैं जिसकी दोस्त हों, जो आना जाना करे, सबसे बना कर रखे, यानी समाजी हो। अगर वो कहे कि डेट पर जाना है तो माजरत कर लें और कहें कि मैं उस दिन मसरूफ़ हूँ। जब वो देखेगा कि आप उसे वो अहमियत नहीं देती जो पहले देती थी, तो उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो अच्छे ताल्लुकात कायम करने को तरजीह देगा और आपको वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। पांचवा तरीका, अपने मियार को बुलंद करें। जब वो देखेगा कि आप अब बदल गई हैं, तो वो आपको मनाने की कोशिशें तेज़ कर देगा। वो फिर से बातचीत की कोशिश करेगा और पहले से ज़्यादा उसे प्यार होने लगेगा। वो पहले से ज़्यादा ईमानदार और वाज़े हो जाएगा, जैसा कि आप चाहती हैं और जैसा कि आप तवक्को रखती हैं। जब सब ठीक होने लगे, तो उसे बताएं कि उसकी गलतियां क्या हैं। जब आप उससे हर बात तफसीली तौर पर करेंगी, तो वो उन्हें नोट करेगा और दोबारा ऐसा कुछ करने से डरेगा कि कहीं फिर वो आपको खो ना दे। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।